बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर है गांव किसान के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे जीव अमृत के बारे में। इसके बाद हमारा पशुधन में बताएंगे आपको गौ नस्ल सुधार के बारे में और अंत में होगी कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। गांव किसान के पहले भाग यानी खेती किसानी में आज हम आपको जानकारी देंगे जीव अमृत के बारे में। जहां जिस तरीके से अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है केमिकल्स का, इसका विपरीत असर हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज के समय की मांग है जीव अमृत, खासकर वो किसान जो कि ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती करना चाहते हैं। जीव अमृत को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, किसान इसे बहुत आसानी से अपने खेतों में ही तैयार कर सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं। कैसे जीव अमृत तैयार होता है, इसके कौन कौन से फायदे हैं, आइए जानते हैं। अभी जीरो बजट नैसर्गिक खेती में हम द्रव रूप का जीवामृत कैसा बनाता है, उसका विधि कैसा है, हम अभी देखता है। इसमें द्रव रूप जीवामृत बनाने के लिए हम एक गावरानी गाय और देशी गाय, इसका 10 केजी का ताज़ा गोबर लेता है और ये जो गौमूत्र है जितना पुराना होता है इतना भी अच्छा है, ये 10 लीटर लेता है। बाद में 2 केजी गुड़ लेना। अभी जब आपको गुड़ नहीं मिलता या पपाया पौधा है आपका पास, आम का है, वो कुछ भी है, अच्छा फल पका हुआ फल का 2 केजी पल्प भी लगा सकते हैं हम। और ये दाल का ये पाउडर है, इसमें सोयाबीन और मूंगफली का नहीं होगा और किसी दाल का भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है ये जो मिट्टी है, ये हमारा बांध का मिट्टी है, इसमें सजीव जीवाणु सालों से बहुत बहुत पुराने सालों से रहता है। उसको जो हमारा ये खेती का और क्या उसका संकष्ट है, उसका संतोष क्या है, वो सभी मालूम रहता है, कितना गड़बड़ है उधर, ये पूरा मालूम रहता है। जब इसको हम डेवलप करके जीवामृत में लगा के हम हमारा खेती पर देता है, ये बहुत कंट्रोल करता है। इसके लिए पहले हम क्या करना है, एक ऐसा 200 लीटर का एक ड्रम लेगा, देखें इसमें ये जो गोबर है ताज़ा गोबर, इसमें 10 केजी का लगाता है। सीधा इसमें मत लगाइए क्योंकि वो गोल गोल रहता है, आपको कितना भी घुमाया तो वो गोल फोड़ने का बहुत देर लगता है। इसलिए क्या करना, छोटा बकेट में लेके ऐसा पूरा उसको मिक्स करा के बाद में इसमें लगाना। ये बहुत इजी होता है, नहीं तो वो जो ये रहता है वो फोड़ने का बहुत देर लगता है। इसमें लगाना ये देसी गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र है, इसको भी इसमें मिलावट करना। बाद में इसको भी थोड़ा ये बकेट में डाल के, क्या है ये दाल का पाउडर है निर्पण से, चल पाइंग बक्सी सर ऐसा करके
इसमें लगा दीजिए। इसमें 2 kg गुड़ और पूरा मुष्टि में 1 मट्टी इसमें लगा के अभी इसको घुमाइए। अभी ये जैसा हम मंदिर को घुमाता है वैसा मंदिर को हम घुमाता है उसको ऐसा एक ही तरफ घुमाना। इसको एक ऐसा गनी में इसको बंद करके रख दीजिए। ये प्लास्टिक नहीं उसको ऊपर कवर करने का, क्योंकि लिए जब ये हम अभी क्या किया है जीवामृत में वो जो गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु है, इसको हम अभी ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या करता है इसके जब हम लगाते हैं जब विघटन होता है इसका दोबारा ज़्यादा ज़्यादा होता रहता है उसका संख्या, तभी क्या होता है ये जो हम सभी लगाया है उसका विघटन होता है और अमोनिया ईथेन ऐसा विषकारी अनिल आता है। इसलिए हम क्या करना ऐसा कर दिया तो वो सभी बाहर चले जाएगा, इसी का जो ये है इसका वास्ता से चल जाएगा। और इधर हम दिखाने के लिए आपको धूप में किया है, लेकिन ये जीवामृत को हम छांव में रखना। ऐसा क्या करना दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम को ऐसा घुमाना, घुमा के 2 दिन का बाद या 7 दिन का अंदर आप एक एकड़ आपका खेती पे कोई भी क्रॉप रहने दीजिए उसको आप दे सकता है। और देखे ये पूरा इसका चमत्कार क्या होता है बाद में वो मिट्टी में और पेड़ पौधा में आप बाद में देख सकता है। ऐसा 2-3 बार दिन में 3 बार घुमाना पड़ता है सुबह दोपहर और शाम को। नहीं हुआ तो एक बार छोड़ दिया तो भी अगले दिन एक थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि लिए एक दिन नहीं हुआ क्या करना इसका बहुत ज़्यादा सोच के मत बैठिए, नहीं हुआ तो और एक दिन ज़्यादा घुमा के इसको दे दीजिए। तो ये तो जानकारी थी जीवामृत के बारे में। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब समय हो गया है हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में हर बार हम बात करते हैं पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के बारे में। आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे गायों के नस्ल में सुधार किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नस्ल की गाय मिले, ज़्यादा आपको लाभ हो, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि नस्ल के सुधार पर भी आप ध्यान दें। कैसे कर सकते हैं आप नस्ल सुधार, आइए जानते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं के वीर्य से मादा स्पर्म्स को अलग करके अच्छा ऐसा सीमन बनाया जाता है जिससे कि 90% तक बच्चियाँ पैदा हो। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि जो हम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें 90% तक बच्चियाँ पैदा होगी, और जो बछड़े पैदा होते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आते हैं वो कम से कम पैदा होंगे, ना के बराबर पैदा होंगे। इस समय इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसलिए भी समझी जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं जिनमें कि अधिकतर नर पशु हैं, और नर पशु आज के तकनीकी युग में किसी काम नहीं आ रहे हैं तो इस वजह से उनका कोई उपयोग नहीं है और लोग उनको सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का इस्तेमाल करके कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो हमारे जो पशु हैं उनमें अधिकतर मादा
बछिया पैदा होगी जो उच्च गुणवत्ता वाली होगी, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और पशुओं में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक आएगी। और ये जो डेयरी फार्म है कर्नल बीके दुग्गल साहब का, हमने इसमें 40 पशुओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान किया है, जिसमें से 35 पशुओं में ये सफल हुआ, 5 पशुओं में असफलता हमें मिली और 35 पशुओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन से उच्च गुणवत्ता की बच्चियां यहां पर पैदा हुई है। पहले यह सेक्स सॉर्टेड सीमन काफ़ी महंगा पशुपालकों को उपलब्ध हो रहा था, किंतु सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी उपलब्ध करा दी गई है और हमारे जनपद में इस पर जिला प्लान से अतिरिक्त सब्सिडी भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे जो देसी पशुओं वाला सीमन है, जो साहिवाल और रेड सिंधी, वो 160 रुपये में पशुपालक को उसके द्वार पर उपलब्ध है। और साथ ही जो हॉलिस्टन फ्रीजन और जर्सी एक्जॉटिक ब्रीड का सीमन है वो 750 रुपये में उपलब्ध है। उस पर अभी जनपद द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, लेकिन जो इंडिजिनस ब्रीड है उस पर सब्सिडी उपलब्ध है। कोई भी पशुपालक सेक्स सीमन से अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान करवा सकता है, उन्हें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र पर संपर्क करना है, जिस समय उनकी गाय या बछिया हीट में आई हुई है और उसका सही समय उनको बताना है पशु चिकित्सा अधिकारी को। पशु चिकित्सा अधिकारी सेक्स सॉर्टेड सीमन लेकर के उनके द्वार पर ही उनके पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। जिस पशुपालक को अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा कराना है, वो विकासखंड विकास नगर में तो पशु चिकित्सालय विकास नगर, पशु चिकित्सालय हरबतपुर, पशु चिकित्सालय सीसमबाड़ा और हमारी जो विभिन्न पशु सेवा केंद्र हैं उनसे संपर्क कर सकता है। और हमारे जनपद स्तर पर हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जो कि सर्वे चौक पर हमारा ऑफिस है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकता है, जिसका नंबर है 0135-271-2572। ईमेल आईडी cbo@gmail.com। मेरी एक प्रॉब्लम थी बछड़ों की। मुझे डॉक्टर जोशी ने बताया कि अब सेक्स सीमन अवेलेबल है, लेकिन वो एक डोज उसका जो है एक शॉट वो 3000 से कुछ ऊपर था। जब से हमने सेक्स सीमन इस्तेमाल किया अपने इन फ्लॉक में, हमारे पास लगातार बच्चियां पैदा हुई हैं, अच्छी नस्ल की, अच्छा दूध देने वाली, और बीमारियां इनमें इतनी नहीं पैदा होती। एक बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि सेक्स सीमन जब हम पहले लेते थे आम डेयरी फार्मर की पहुंच के बाहर था, उसके बाद सब्सिडी मिलने के बाद 750 रुपए का मिला, अब जो है वो और सब्सिडी मिली है उससे और कम होके 120-150 के करीब है। मेरा ये कहना है कि सेक्स सीमन सस्ते से सस्ता हमको देना चाहिए अपने डेयरी फार्मर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें और ये जो फालतू पशु मेल पशु जो हैं इधर उधर धक्के खाते हैं, ये प्रॉब्लम हल हो जाए। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट गौ नस्ल सुधार पर। इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुपालक कैलेंडर जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में ताप घात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लंगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें, ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें।
मुंह पका खुरपका रोग गलघोटू ठप्पा रोग फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणु नाशक घोल से भिगोएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। गांव किसान में हमारी कोशिश होती है उन किसानों को एक मंच दिया जाए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, कुछ हटकर किया है और अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा मिली है। जी हाँ, इस मंच के फायदे ये हैं कि एक तो उस किसान का मनोबल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ अन्य किसानों के लिए भी ये एक उदाहरण होगा। तो आइए दिखाते हैं आपको आज के हमारे ऐसे कामयाब किसान की दास्तां। आज हम आपको जिनकी कामयाबी की दास्तां दिखाने जा रहे हैं उनकी खेती किसानी से कोई पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन फिर भी आज उन्होंने खेती किसानी में जो मुकाम हासिल किया वह अपने आप में एक मिसाल है। उस पर भी खास बात यह कि वे एक महिला हैं। उन्होंने लाखों रुपए की कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर खेती किसानी में हाथ आजमाने की सोची और उसमें उन्होंने जो क्षेत्र चुना वह है मशरूम की खेती। वह अपने अनुभव और प्रयोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से समाज में आगे बढ़ा रही है, जिससे कि जो लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं वे सही और पहले से अजमाए परखे हुए रास्ते पर चलकर समय धन श्रम का सदुपयोग कर लाभ कमा सके। आज से एक साल पहले मैंने जब मशरूम का काम शुरू किया था, उससे पहले मैं एक 6-figure सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो ना सिर्फ मेरे दोस्त पर मेरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अजीब काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शायद बोर हो जाऊँगी। पर आज एक साल के बाद इस बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं उसमें 80-90% औरतें हैं। वो औरतें हैं जो या तो अपने करियर में ब्रेक लेके कुछ करना चाहती हैं, वो औरतें हैं जो आज तक शायद कभी कुछ कर नहीं पाई हैं और उनको अपने करियर को बिल्ड करना है, पर उनको इस तरीके से बिल्ड करना है कि उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। मैंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से ली थी और ये ट्रेनिंग मैंने पिछले साल अप्रैल में ली थी। ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पर अपना फार्म सेटअप करना है, तो मैंने अपने घर के पास एक पहले जगह आइडेंटिफाई करी, ढूंढी और उस जगह पर हमने सबसे पहले ये कमरा तैयार किया था। इस कमरे को कंस्ट्रक्शन करने में पूरा हमें एक महीना लग गया। हमने इस कमरे को तैयार किया, इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो ये लटका के मशरूम ग्रो करने के लिए पूरे हैंगिंग्स तैयार करे। उसके बाद हम लोगों ने बैग्स तैयार करने शुरू करे। बैग्स तैयार होने के बाद जब उनका स्पॉन रन कम्प्लीट हुआ तो उनको इस कमरे में लेके आए और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी अपनी फ्रूटिंग होती है। पिछले एक साल से मैं ओएस्टर मशरूम कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मुझे मार्केट में ओएस्टर मशरूम से। हालांकि नॉर्थ में बटन मशरूम बहुत पॉपुलर है, लोग बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने अपने पिछले एक साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लोगों को ओएस्टर मशरूम का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मशरूम सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं जितना फ्रेश मशरूम निकालती हूँ मेरा ज़्यादातर फ्रेश मशरूम ही बिक जाता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको और इससे अलग अलग डिशेज़ बनाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग रूम है। इस यहाँ पर हम
जैसे कि आप देख सकते हो ओइस्टर मशरूम्स की फ्रूटिंग हो रही है। एक बार जब बैग का स्पॉन रन पूरा हो जाता है उसको हम फिर इस कमरे में ले आते हैं जिसको बोला जाता है ग्रोइंग रूम, फ्रूटिंग रूम। यहाँ पर 80% से ऊपर ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, हवा में मॉइस्चर होता है। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हम पानी का स्प्रे कर सकते हैं, हम ज़मीन गीली कर सकते हैं, हम स्प्रिंकलर्स लगा सकते हैं, फॉगर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक नेचुरल ग्रोइंग रूम है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जाता है, सारे नेचुरल ऑर्गेनिक तरीकों से हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ जिसमें लोग आते हैं, मैं उनको एक पूरा दिन के लिए ट्रेन करती हूँ और उसके बाद वो 15 दिन मेरे साथ काम करते हैं और बिल्कुल उस तरीके से काम करते हैं जैसे कि ये उनका फार्म है। उनको बैग बनाना है, उनको भूसा बिगाना है, उनको बैग बना के कमरे में रखना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना है, और 15 दिन में उनको बिल्कुल वैसा वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जैसे उनको अपने फार्म में काम करना होगा। और उस सब के बाद जब वो जाके अपना काम शुरू करते हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस भी होता है, एक ट्रेनिंग भी होती है, और साथ साथ उन्होंने मार्केटिंग का भी एक स्टार्टिंग लेवल इन्फॉर्मेशन ले ली होती है जिससे उनको ये यकीन होता है कि अगर हम मशरूम उगा लेंगे तो उसके बाद उसे बेच भी पाएंगे। ये जो एक रास्ता और जो लोग मेरे पास जिस तरीके से आ रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ है। मोनिका को मैं पिछले 10 बार जब हम दोनों ही वातानुकूलित एनवायरनमेंट में एक साथ बैठ के और डेस्क पे बैठ के काम करते थे, फिर मुझे पता चला, एक साल पहले मुझे पता चला कि मशरूम की खेती करने का बीड़ा उठाया है, तो मैं इतनी ज़्यादा, पहले तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि इधर इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी एक अच्छी चलती नौकरी छोड़ करके इन्होंने कुछ नया करने का सोचा, कुछ ऐसा करने का सोचा जो हमारे देश के लिए, मतलब हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है तो वो उसके लिए भी, उसको भी सपोर्ट करता है। इस जगह को देखिए पहले तो बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि मैं उनसे अब ट्रेनिंग लूँगी, इनके साथ आके इनके अंडर इनके गाइडेंस में काम करूँगी और उसके बाद मैं अपनी मशरूम की खेती शुरू करूँगी। अगर आपको साइड पे आपके घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है, आपको एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता कि आप लोगों को कुछ हेल्दी खिलाइए। ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे लोगों को हेल्थ में भी फ़ायदा मिल रहा है एंड आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें पैसा है, इसमें ऐसा नहीं कि आप रातों रात बहुत अमीर होंगे, बट जैसे हर एक बिजनेस में होता है एक स्लो ग्रोथ पैटर्न होता है, आप उसके साथ एक धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। इसमें इनोवेशन का बहुत स्कोप है, आप इंटरनेट पर रिसर्च करिए, नए नए प्रोडक्ट्स बनाइए, इसके बहुत इनोवेशन का स्कोप है। और अगर आप अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जितना ग्रो करोगे उसको आप इनोवेटिव तरीके से बेचोगे, नो डाउट कि आप यू कैन मेक आप अच्छा। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान की दास्तान। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।